टू जीरो एक्स रेस टू एक्स। अब हम पहले इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एल इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स रेस टू एक्स। अगर आप यहाँ पे एक्स रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, जीरो रेस टू जीरो फॉर्म। ओके, जब जीरो रेस टू जीरो इन्फिनिटी रेस टू जीरो जीरो रेस टू इन्फिनिटी फॉर्म होता है तब आपको क्या करना है, लॉग लेना है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड तो हमें क्या मिलेगा, लॉग ऑफ एल इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लॉग ऑफ एक्स रेस टू एक्स। अब लॉग की प्रॉपर्टी हमें पता है, लॉग ऑफ एम रेस टू एन होता है तो एन लॉग एम लिखते हैं। यूजिंग दैट प्रॉपर्टी लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स लॉग एक्स मिलता है। अब एक्स की वैल्यू जीरो रखो आपको क्या मिलेगा, जीरो इंटू लॉग जीरो इन्फिनिटी, तो जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म मिलता है। तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन का इन्वर्स लेंगे जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो ये लॉग एक्स डिवाइडेड बाय इनवर्स ऑफ एक्स ही वन बाय एक्स, तो हमें क्या मिलेगा, लॉग एक्स अपॉन, यहाँ पे क्या करना है आपको, इक्वेशन बैलेंस करना है। तो हम क्या करेंगे, एक्स को वन अपॉन एक्स रखेंगे। ओके, अब एक्स की वैल्यू जीरो रखो आपको कौन सा फॉर्म मिलता है, लॉग जीरो होता है इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय यहाँ पे डिनोमेटर में वन बाय जीरो इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म होता है। हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर डिनोमेटर का, तो अप्लाई एल हॉस्पिटल्स रूल, एल हॉस्पिटल्स रूल अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन वन बाय एक्स, डिनोमेटर का डिफरेंशिएशन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाय एक्स, दैट इज लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एक्स, और एक्स की वैल्यू जीरो रखो आपको एल मिलता है, लॉग एल मिलता है जीरो। ओके, लेकिन हमें एल की वैल्यू चाहिए तो लॉग यहाँ पे शिफ्ट कर दो तो आपको मिलेगा ई रेस टू जीरो, मीन्स एल इज इक्वल टू वन।